डोलरिया में पशुओं में गलघोंटू व एकटगिया बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सेल डोलरिया में वर्षा ऋतु के पूर्व गौवंशीय व भैंसवंशीय पशुओं में गलघोंटू व एकटगिया बीमारी से बचाव के लिए जिले में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए पशु विकास विभाग के चिकित्सक श्री अरुण गौर ने बताया कि गलघोंटू व एकटंगिया जीवाणु जनित बीमारी है जो पास्चुरेला व क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से होती है। उन्होंने बताया कि गलघोंटू बीमारी में पशुओं को तेज बुखार, आंखों में सूजन तथा गले में संक्रमण व सूजन के कारण घर्रा घर्रा की आवाज आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लार बहने लगता है। इसी प्रकार एकटंगिया बीमारी में बुखार व जौघ के मांसपेशी में दर्द युक्त सूजन होता है जिसमें चर्र चर्र की आवाज आती है, इससे जानवर को चलने में परेशानी होती है। एकटंगिया रोग में 4 माह से 2 वर्ष तक के युवा पशु सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं तथा गलघोंटू का टीकाकरण 4 माह से ऊपर के सभी उम्र के पशुओं में लगाया जाता है। उन्होंने पशुपालक कृषकों से अनुरोध किया है कि पशुधन विकास विभाग द्वारा निर्धारित टीकाकरण की तिथि को अपने पशुओं को घर में ही रखें तथा अपने पशुओं का अनिवार्य टीकाकरण कराएं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क किया जा सकता है। देखिए आज की आवाज़ न्यूज़ के साथ होशंगाबाद से प्रवीण गौर की खास रिपोर्ट।